Okay, so it's video me. We will do the question Ace Company. Okay, so let's first read out the requirement. The question uh, first requirement is to calculate NPV but to the nearest 100,000. Hundred. Okay, Ace Company is considering a new project. is currently installed bul burgl burglar arm, putting contact point on access portals and movement sensors in general area of property the new project is in the fire alarm business and the business considered to be similar in many ways to the what is currently does okay the junior member of finance team has estimated the cash flow of the following project as follow uh, no tax allowable depreciation is available for loose tool इक्विटी फाइनेंस विद इक्विटी कैलकुलेटेड एज ट्वेल्व परसेंट ओके सो इसको आप दो मेथड से कर सकते हो या फिर आप डिस्काउंटिंग के थ्रू या फिर आप एनटी फैक्टर डायरेक्टली लगा कर ठीक है पहले मैं डिस्काउंटिंग से बताती हूँ फिर इसको बाद एन टी फैक्टर से सो so, फर्स्ट <coughs> एक सेकेंड हाँ, ओके <coughs> तो पहले ईयर लिखते हैं इधर फॉर्मेट में एक सेकेंड हाँ, वो कनेक्ट हो रहा है ओके okay. और हमारा ईयर फर्स्ट का इनिशियल इन ईयर जीरो का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लूज टू ठीक है तो इसका माइनस सिक्स थाउजेंड याद करेंगे आफ्टर डेट वी हैव है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पता है ना आपको क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सो विच इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन आवर केस में आपको रिलीवेंट क्या है, irrelevant क्या है, दिया हुआ है। तो एलोकेटेड ओवर लिए रिलीवेंट है सो इसको नहीं लेंगे हम लोग रहा टैक्स के बाद ये टैक्स आपका ओवर हेड को इंक्लूड करके काटा हुआ है टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है सो नाउ वी विल कैलकुलेट एज पर ऑन हम लोग को खुद ही कैलकुलेट करेंगे कि वो वाले टैक्स में आपका ओवर एड इंक्लूड है एंड नाउ फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्रैजल वी वॉन्ट इंक्लूड द ओवर ओके एंड uh, आप ईयर में देखो टू टू फाइव इयर्स लिखा हुआ इट मीन एक साल एरियर में हम लोग टैक्स पे कर रहे तो कोई ना इनटू ट्वेंटी फाइव परसेंट करते हैं ओके कॉपी कॉपी शिफ्ट पेस्ट इसको क्रॉस करके एक साल एरियस ओके सो नाउ व्हाट वी हैव इन एड कैश फ्लो इसको प्लस करो अब आप शॉर्टकटली फार्मूला लगा सकते हो एक्सेल का जस्ट टेक ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज़ इन नेगेटिव एंड एन पी वी लिखेंगे एन पी वी ब्रैकेट क्लोज एंड वॉट इज द परसेंटेज डिस्काउंटिंग फैक्टर परसेंटेज ट्वेल्व परसेंट सो 12 परसेंट लेंगे कॉमा डाल के एंड अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर से लेकर जहाँ तक है वहाँ तक हम लोग लेंगे सो जी सिक्स इसको टैप दबा दो आपको ये आ गया अब नियरेस्ट हंड्रेड में पूछ रहा है तो आप ये फिफ्टी थ्री थाउजेंड हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये आपका थर्ड डिजिट नाइन है सो वन प्लस हो जाएगा आगे आके अब दूसरा आप एन्य फैक्टर के थ्रू कैसे कर सकते हो तो लाइक आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है विच इज इन आवर केस सिक्स थाउजेंड एंड आपको कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन आपका होल ईयर सेम है तो क्या है आपका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन टू अब आप टेबल खोलो आपके बुक में भी दिया हुआ है एग्जाम किट में भी आपका एनुटी फैक्टर एंड डिस्काउंट फैक्टर का टेबल दिया हुआ है वहां पे जाके आप एनुटी फैक्टर के टेबल में ट्वेल्व परसेंट के हिसाब से कितने साल हमारा कंट्रीब्यूशन फ्लो हुआ है चार साल तो चार साल का देखो तो इट इज थ्री पॉइंट जीरो थ्री सेवन ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया नाउ टैक्स अब टैक्स तो इसी पे पे करेंगे ना तो पहले हम लोग ऊपर ले लेंगे कंट्रीब्यूशन के अमाउंट इस पे कितना परसेंट पे कर रहे हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अब ये भी चार साल का ही एन्य फैक्टर लेंगे यहाँ पे भी क्योंकि टू थ्री फोर फाइव चार साल ही हो रहा है तो थ्री पॉइंट जीरो थ्री सेवन ठीक है बट अब ये आके ईयर वन में आएगा क्योंकि टू ईयर से ये इसको हम लोग स्टार्ट ही कर रहे थे ये स्टार्ट ऑफ द टू ईयर वन आएगा तो वन ईयर्स का हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे नॉट एनुटी फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे 12 परसेंट के हिसाब से जीरो पॉइंट एट नाइन थ्री इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे आई थिंक आपका सेम आंसर आना, आना चाहिए देखो पता नहीं नहीं कुछ गड़बड़ किया जस्ट वेट हाँ अनमति फैक्टर में कुछ गड़बड़ किया क्या सेकेंड हाँ, मैं चेक करती हूँ सही तो किया है एक बार और कैलकुलेट करती हूँ देखती हूँ कहाँ गड़बड़ किया हम्म ओके okay. मैंने मिस्टर क्या किया मैंने होल कंट्रीब्यूशन पे टैक्स ले लिया यू कैन सी मैंने बी ट्वेल्व किया और होल कंट्रीब्यूशन पे टैक्स ले लिया ये तो गलत हो गया हम लोग को यहाँ पे बस करना है एक साल का कंट्रीब्यूशन तो वन ईयर के लिए टैक्स आएगा उस पर पच्चीस परसेंट डालेंगे सॉरी मैंने क्या बोला ओके okay, हाँ एक साल का हम लोग कंट्रीब्यूशन लेंगे उस पर पच्चीस परसेंट डालेंगे तो वन ईयर का टैक्स आएगा उसको हम लोग एन्यटी फैक्टर लगाएंगे हम लोग पर ईयर के एनुटी कैश फ्लो पे तो लगाते हैं ना एनुअटी फैक्टर तो वन ईयर का लेना है मैंने होल ईयर का ले लिया था नो आई थिंक इट विल बी करेक्ट सम विन ऑलमोस्ट सेम है तो राउंड okay? अप so करने के बाद फिफ्टी थ्री थाउजेंड देखो दोनों मेथड से सेम आए बस इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन से चूज कर रहे हो जो इजी लगे आप चूज करो ओके सो द आईआरआर ऑफ एवर वर्क प्रोजेक्ट हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड एज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ओके आई आरआर इज नॉट मेजर ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी एंड लीनियर इंटरपोलेशन प्रोवाइड ओनली एस्टीमेट ऑफ आई आरआर हम लोग जो आई आरआर का कैलकुलेट करते हैं वो लीनियर इंटरपोलेशन होता है जिसमें हम एस्टीमेट आई आरआर कैलकुलेट करते हैं और आई आरआर हमेशा परसेंटेज में होता है तो इसीलिए एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देता रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी देता ठीक है थीके? तो ये हमारा करेक्ट है

राइज राइज तो नहीं होगा तो वन तो गलत है ठीक है उसके बाद टू क्या कहते हैं एनपीबी अब दोजेक्ट उब टैक्स होगा तो हम लोग को ये तो मान ली इिलिवेंट डिसीजन कैश फ्लो है बट इस इसपे जो तो टैक्स रिलीफ जो मिलेगा वो तो रिलेवेंट है तो वो टैक्स रिलीफ एक तरह से हमारा इनकम हो जाएगा इनकम हुआ तो हमारा एनपीबी हाई होगा बिकॉज इनफ्लो इंक्रीज होगा ना तो टू करेक्ट है Assuming that one of the answer to the NPV calculation above is correct, then the decision to proceed would alter. अब decision नहीं alter होगा क्योंकि पहले भी positive था, अभी और increase हो जाएगा positivity में, तो decision वही रहेगा, alter नहीं होगा, so three incorrect है, okay? ओके सो डी क्या कहते हैं डायरेक्टर दैट कैलकुलेटिंग द थिंग्सिंग पीरियड वुड बी यूजफुल एडिशन व्हाट इज द प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड इन द मंथ टू वन डेसिमल प्लेस अब जाहिर सी बात है अब छ हजार इन्वेस्ट कर रहे हो पहला साल में पच्चीस हजार रिटर्न पा रहे हो तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग अब मंथ में आंसर आएगा तो सिक्स थाउजेंड को डिवाइड करो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से आपको पॉइंट में आएगा अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे से मंथ में आने के लिए तो ये टू पॉइंट एट एट आ रहा है पर क्वेश्चन डेसिमल प्लेस में पूछ रहा है इसलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इंडिकेट बाय द क्लिकिंग द रिलीवेंट बॉक्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पे पैक पीरियड आर ट्रू और फॉल्स डिसीजन मेकिंग तो अब रिस्क फोक्स्ड अप्रोच क्यू है अब अगर रिस्क प्रोजेक्ट है तो हम लोग चाहेंगे जितना कम पे बैक हो लाइक हो पे बैक पीरियड उतना अच्छा और जल्दी से हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा ये ट्रू है तो बिल्कुल नहीं देता है, है। है, है आप तो ये क्योंकि time value of money को consider नहीं करता वगैरह ना तो देखा जाए तो उस पॉइंट से तो और कंफ्यूजन है ना तो ये इनकरेक्ट है ओके okay, सो so इस वीडियो में यहीं तक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द मोर क्वेश्चन सो for more updates please subscribe to my channel and share it among your friends and don't forget to hit the bell icon okay so bye take care